मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मुमरा बाईपास पर हैं। मुमरा बाईपास की हालत, जब से मुमरा बाईपास बना है, इस मुमरा बाईपास की हालत इस तरीके से हो गई कि लगातार यहाँ पे हादसे पेश आ रहे हैं। कई बार यहाँ पे इसका दुरुस्ती का काम किया गया था और इसको लेकर यहाँ पे दो बार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इसका उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन यहाँ पे हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। और हाल ही में यहाँ पे जो मनसे के वाहतुक के जो जनरल सेक्रेटरी है इरफान सैयद, उन्होंने बांधकाम विभाग में इसकी शिकायत की है। और आइए, आज इरफान सैयद अपनी पूरी टीम के साथ में इस मुमरा बाईपास का दौरा कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं इस मुमरा बाईपास को लेकर, इसकी दुरुस्ती को लेकर उनकी क्या प्रशासन से मांग है। इरफान भाई, क्या कहोगे, आज आपने यहाँ पे जो मुमरा बाईपास का दौरा किया है, तो क्या आपकी मांग है? देखिए हुसैन भाई, आपके हम चैनल से बताना चाहते हैं कि जो मुझे खलवा मुमरा विधानसभा में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वातुक से तरफ से, संजू नायक सर हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं और आरिफ शेख जो है हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो हमें खलवा मुमरा विधानसभा की जिम्मेदारी दी है उसके तहत हमें वातुक को लेकर के हमें काम करना है। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें कि मुमरा कौसा का एक सबसे बड़ा जो एक बाईपास बना था जो लारी जाने के लिए, वो पूरा झंझर पड़ा हुआ है। हमने यहाँ पर सर्वे किया, अब अपना ये अपना टोल नाके से लेकर के रेती बंदा तक हमने सर्वे किया। यहाँ पर जो है लाइट का जो है खम्भे जो है वो बंद पड़े हैं, रोड बहुत ख़राब है। जो यहाँ पर आज जो बाईपास है उसके किनारे जो है ये आबादी है, यहाँ पर लोग रहते हैं, गरीब लोग बेचारे रहते हैं वहाँ पर। और रहने के क्या होता है कि जब लारी पलटी होती है तो ये लारी जा करके सीधे वहाँ पर गिरती है जहाँ पर एक बड़े ज़्यादा लोगों की जान जाती है, बस्ती में जाती है और वहाँ पर काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। तो इसी को लेकर के मैंने जो है लेटर डाला है PWD पनवेल के अंदर कि भाई इसकी दुरुस्ती की जाए, मैंने इसकी मांग की है। और मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ कि बाईपास को जल्द से जल्द एकदम अच्छा किया जाए, ताकि जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी की पति हैं, तो किसी के लाल हैं ये, तो उनको देख करके जो है ये जो ड्राइवरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पीछे जो है फैमिली नहीं है। तो मैं यहाँ के प्रशासन से अपील करूँगा कि एक जो है एक जिम्मेदार लोग जो गाड़ी लारियाँ चलाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें कि ये महाराष्ट्र में यहाँ पर कई इलाकों से गाड़ियाँ आती हैं, कई देशों से गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से कई इलाकों में गाड़ियाँ जाती हैं। तो एक ही रोड है बाईपास, और जब गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो एक मेंटेनेंस निकलता है, और गाड़ी ख़राब होने के कारण यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मतलब मोटर एक ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम होने की वजह से एक हादसा जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जब लारियाँ खड़ी होती हैं तो कैसा है, कुछ लोग यहाँ पर जो है तो लूटमार भी कर लेते हैं इसी कारण। तो कैसा है ना कि ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ और MMRT के जो है मैंने जो लेटर दिया है उनसे भी अपील करता हूँ कि ये जो है रोड की जो है मरम्मत की जाए, दुरुस्ती की जाए, ताकि हादसा होने से बचे। ये 2008 से ये बाईपास बना है। पहले जब यहाँ पर टोल वसूला जाता था तो इस बाईपास की हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से ये टोल बंद हो गया तो इस बाईपास बिल्कुल लावारिस हो गया है, तो इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको देखकर, जो जिम्मेदारी मैंने लिया हूँ वो जिम्मेदारी को ले करके और देख करके ही मैंने ये लेटर जो डाला है कि भाई दुरुस्ती की जो मांग मैंने की है इसीलिए की है कि ये हादसे होने से बचे और जो है यहाँ का जो है प्रशासन सुने कि मुमरा का बाईपास की दुरुस्ती की जाए बहुत जल्द से जल्द, यहाँ के लाइट के खंभे की दुरुस्ती की जाए। अगर ये नहीं किया जाएगा तो एक जो हादसे के ऊपर हादसे हो रहे हैं, यहाँ पर जो है मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग गाड़ियाँ जो है बर्बाद हो चुकी हैं, कई लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। तो यहाँ का प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इसका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ पर जब ट्रैफिक होती है तो एक एम्बुलेंस का जाना, एक फायर ब्रिगेड का जाना, एक मतलब एक बहुत बड़ा एक जो है वो माहौल क्रिएट होता है कि कैसा मतलब ये बाईपास बना हुआ है। इस बाईपास को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टी का भी विरोध हुआ है, उन्होंने भी इसको बाईपास की दुरुस्ती की मांग की है और अभी आप भी मांग कर रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी? देखिए हुसैन भाई, अच्छा है अगर यहाँ पर की और भी जो दिगर पार्टियाँ हैं वो लोग लेटर दिए हैं तो उनकी भी सुनाई हो और हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना की भी सुनाई हो। और हमने इसीलिए कहा है ये यहाँ के प्रशासन से और अपील की है, हमने तो दौरा भी किया इसका रेती बंदर तक, बहुत रोड की हालत ख़राब है, लाइट नहीं है यहाँ पर और किनारे जो है दीवार भी नहीं है, ताकि दीवार ना होने की वजह जब टैंकर कोई पलटी होता है तो सीधा जाके आबादी में गिरता है, कई लोगों की जान चली जाती है। और मेरे समझ से 2008 से जब से ये बना हुआ है
तो इतने हादसे हो चुके हैं, इतने घर के माँ बाप बच्चे बेटे सब जा चुके हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन रही है? कब तक प्रशासन सोता रहेगा? ये जो बाईपास के जो मंत्री है, पालक मंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब, वो भी इनके भी जिम्मे है, PWD की जिम्मेदारी दी गई, तो उनको लेकर क्या उनसे पत्र व्यवहार किया आपने अभी तक? नहीं, हमने पत्र तैयार किया है और अभी हम उनसे जो है टाइम लेकर के हम उनको पत्र देंगे और उनसे जो है हम अपील करेंगे कि सर आप जो है मुमरा का बाईपास को ध्यान में रख के जो है इसकी जल्द से जल्द दुरुस्ती कराएं, हम ये मांगनी करेंगे उनसे। अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो इरफान सैयद जो वाहतुक के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने यहाँ पे मुमरा बाईपास का वाई जंक्शन से लेकर रेती बंदर का दौरा किया और देखा कि यहाँ पे किस तरीके की समस्या है, यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी वॉल नहीं है, उसके अलावा जो खड्डे हैं और अभी हाल ही में जो एक महीने के दरमियान जो 4 से 5 हादसे यहाँ पे हुए हैं उसको लेकर भी यहाँ पे जो प्रशासन बिल्कुल अभी अलर्ट नहीं है। टेम्पररी तौर पर यहाँ पे रोड का काम किया गया है। इसी सारी समस्याओं को लेके आज इरफान सैयद ने यहाँ पे अपनी टीम के साथ में, वाहतुक की टीम के साथ में उसका दौरा किया है। अब देखते हैं कि इरफान जिस तरीके से और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यहाँ पे इसका बनाने को, इसको दुरुस्तीकरण को लेकर यहाँ पे उनका विरोध बाईपास को लेकर चलता था, अब इरफान सैयद जो वाहतुक के जनरल सेक्रेटरी है इसको इसमें उनकी जो पत्र व्यवहार किया है, उन्होंने बताया कि उन्होंने PWD के डिपार्टमेंट को यहाँ पे उसका लेटर दिया है और जल्द ही वो यहाँ के जो PWD जो मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे को उसका पत्र व्यवहार करेंगे। अब देखते हैं कि वाहतुक सेना इस मुमरा बाईपास को दुरुस्ती करने में कितनी सफल होती है या ये मुमरा बाईपास उसी तरह जिस तरीके से लावारिस था उसी तरह लावारिस रहता है। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होऊंगा।